हेलो पीपल, वेलकम बैक टू वन मैन माइंडसेट। दोस्तों, शेयर मार्केट के ऊपर आपने कई सारी कहानियाँ सुनी ही होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, इससे आपको ज़रूर कुछ सीखने मिलेगा। और आखिर में मैं आपको शेयर मार्केट के ऊपर एक ऐसा टिप दूंगा जिसे आप फॉलो करके फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलिए, लेट्स बिगिन। ये कहानी है महाराष्ट्र के छोटे से गाँव अमलनेर की, जहाँ पे मोहम्मद अनवर अहमद उनके तीन भाई और पिता के साथ मिलके उनके खेत में काम करते थे। मोहम्मद अनवर 27 साल के थे और एक दिन अचानक उनके पिता का देहांत हो गया, तो सारे भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये जो ज़मीन है उसे बेच देंगे और उससे जितना भी पैसा आएगा उसे चारों में बराबर से बांट देंगे। कुछ समय बाद जब वो ज़मीन 80,000 में बिका तो इस हिसाब से अनवर के पास आए 20,000 रुपये। अब जैसे कि अनवर एक शादीशुदा इंसान था तो उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना था। तो एक दिन अनवर चाय की दुकान पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि उन्हें ये पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और उतने में उनकी मुलाकात एक बॉम्बे स्टॉक ब्रोकर से हुई जो यहाँ पे विप्रो कंपनी के शेयर्स खरीदने आए थे। और इन्होंने अनवर को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। कन्फ्यूजन क्लियर करने दोस्तों, विप्रो कंपनी का शुरुआत 1945 में अमलनेर गाँव में ही हुआ था, और इस गाँव में विप्रो कंपनी के बहुत सारे वर्कर्स और स्टेक होल्डर्स भी थे। इसलिए बॉम्बे स्टॉक ब्रोकर जिनका नाम सतीश शाह था, वो कंपनी के शेयर्स खरीदने मुंबई से अमलनेर आए थे। अब सतीश शाह ने शेयर मार्केट के बारे में अनवर को बताया और उनसे कहा कि जब आप एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो तब आप कंपनी के कुछ परसेंट से हिस्सेदार भी बन जाते हो। अब अनवर को इस सेक्टर में ग्रोथ दिखा और उसने सतीश के साथ साथ अपने लिए भी विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लिए। ये बात 1980 की है और तब के टाइम में एक शेयर का प्राइस 100 रुपये हुआ करता था, तो इस हिसाब से मोहम्मद अनवर ने 10,000 रुपये विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट किए। अब यहाँ तक तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1980 में अनवर के पास 100 शेयर्स थे, लेकिन जब कंपनी ने 1981 में बोनस शेयर्स इशू किया तब अनवर के पास हो गए 200 शेयर्स। अब 1985 में कंपनी ने दोबारा 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और अनवर के पास हो गए 400 शेयर्स। 1986 में कंपनी ने 10 रुपीज़ के हिसाब से शेयर्स को स्प्लिट करने का डिसीजन लिया और इस हिसाब से अनवर के शेयर्स मल्टीप्लाई होकर 4,000 हो गए। वापस से कंपनी ने 1987 में 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया तो उनके 4,000 शेयर्स बढ़ के 8,000 हो गए। 1989 में वापस से 1:1 हुआ और अब उनके शेयर्स हो गए 16,000। और ऐसे ही 1992 और 1995 में 1:1 करने के बाद अनवर के शेयर्स मल्टीप्लाई होकर 64,000 हो गए। 1997 में दोबारा विप्रो कंपनी ने 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया और इस बार उनके शेयर्स बढ़कर 1,92,000 हो गए। अब 1986 की तरह 1999 में भी कंपनी ने 2 रुपीज़ के हिसाब से शेयर स्प्लिट करने का फैसला लिया तो इस हिसाब से अनवर के शेयर्स होगा 9,60,000। फिर 2004 में 2:1 करने के बाद उनके शेयर्स काउंट हो गए 28,80,000। 2005 में 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया गया और अनवर के शेयर्स इस बार बढ़कर हो गए 57,60,000। ऐसे ही बोनस डिक्लेयर करते करते रिसेंट 2019 के बोनस के बाद अनवर के पास हो गए 2,56,00,000 शेयर्स। और अगर हम उनका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आज के शेयर प्राइस के हिसाब से तो 2,56,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 510 तो ये बन के आता है अराउंड 1,300 करोड़। अब पावर ऑफ डिविडेंड्स इन स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो डिविडेंड्स यानी वो पैसा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है एज ए रिवॉर्ड, तो मोहम्मद अनवर अहमद आज तक ऑन एन एवरेज 180 करोड़ का डिविडेंड गेन कर चुके हैं, यानी टोटल में 1,300 करोड़ प्लस 180 करोड़, दैट इज इक्वल्स टू 1,480 करोड़ जितना पैसा वो शेयर मार्केट से कमा चुके हैं। दोस्तों, अब आपको शेयर मार्केट का पोटेंशियल समझ में आ ही रहा होगा, और अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है तो आपका अर्निंग्स को आप अनवर की तरह किसी अच्छे कंपनी में डाल के छोड़ सकते हैं एंड नो डाउट कुछ सालों बाद आपका भी रेवेन्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि अनवर ने पेशेंस रख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, और इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का मानना यह है कि द बिग मनी इज नॉट इन बाइंग और सेलिंग द स्टॉक्स बट इन वेटिंग। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना ना भूले। जाने से पहले लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।